रुकावटें तो आती ही रहती हैं सफलता की राह में। अर्ज किया है कि रुकावटें तो आती ही रहती हैं सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता है, लेकिन लक्ष्य पर तो केवल वही पहुंचता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, लेकिन लक्ष्य पर तो केवल वही पहुंचता है जो कभी हार नहीं मानता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी आपको किसी भी लक्ष्य से घबराना नहीं है, उस पर लगातार अडिग रहना है जब तक उस लक्ष्य की आप प्राप्ति ना कर लें। वेलकम बैक टू माय ऑल फ्रेंड्स, विभिन्न वेदी फिजिक्स क्लासेस के इस दबंग बैच के इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स कि आप लोग लगातार कंटिन्यू पूरे वीडियोज आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स की जो सीरीज हम चालू किए थे, खास तौर से बात करें क्लास 11 फिजिक्स के अंतर्गत आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बायोनोमियल थ्योरम। ध्यान रखेंगे बायोनोमियल थ्योरम। कुछ बच्चों को इस थ्योरम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लेक्चर पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है और आपके दिमाग में हम बायोनोमियल थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट फिक्स कर देंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत सेशन को। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला है, पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 9th के हो, या 10th के हो, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर समय टाइम बाय टाइम आपको लगातार अच्छे अच्छे वीडियोज आपके टाइप से मिलते रहेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को, बायनोमियल थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बायनोमियल थ्योरम, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल थ्योरम की। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब आपको बायनोमियल थ्योरम यूज करना होगा, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए। देखिए अभी आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर देखा, जिसमें हम एलजेब्रा का एक वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। वहां पर आप जो नंबर ऑफ इंडेक्स देखे हैं, नंबर ऑफ पावर देखे हैं ए प्लस बी की, मैक्सिमम 3 तक देखे हैं। कहाँ तक देखे, ध्यान रखना है 3 तक। 2 और 3 को एलजेब्रा के नॉर्मल फार्मूलों से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट जब पावर 2 से मोर देन हो, 3 से मोर देन हो, तब उसे कैसे सॉल्व करें? क्या आपने कभी सोचा है x प्लस 2y की पावर 5 को किस टाइप से सॉल्व करें? x प्लस 2y की पावर 14 हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? कहने का मीन्स, जब n की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तब बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। n की वैल्यू ज्यादा रहेगी तभी आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। और मैक्स ध्यान रखना है एक बात और, मोर देन 3, जब पावर अक्सर 3 से ज्यादा होती है तब बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। हालांकि आपको ध्यान रखना है निगेटिव टर्म्स में भी, जैसे ए प्लस बी की पावर -1 क्या होगा, -2 क्या होगा, एक्स प्लस 2 वाई की पावर -3 क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एन की वैल्यू, कहने का मीन्स ये जो पावर है, मोर देन 3 रहे तब आपको यूज करना है, 4, 5, 6 हो, कुछ भी हो, और दूसरी कंडीशन निगेटिव में रहे तब भी यूज करना है, क्योंकि आपको पता है एलजेब्रा के जो मैक्सिमम फार्मूले हैं वो निगेटिव में नहीं है। तो आइए, आई होप आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दो टाइप के आज फार्मूलों की बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। पहला फार्मूला आप देख पा रहे हैं, व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अच्छे से देखिएगा, जब एन आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो, इस केस में आपको क्या करना होगा, देखिए फार्मूले को अच्छे से देखें, फार्मूला थोड़ा सा लॉन्ग है, पहले से लिख रही है, एक्स प्लस ए की पावर एन, पहले आपको फार्मूला समझना होगा, एक्स प्लस ए की पावर एन का जो फार्मूला होगा, एक्स की पावर एन, सबसे पहले एक्स की पावर आपका एन आएगा, प्लस एन इंटू एन एक्स टू द पावर एन -1/1 का फैक्टोरियल। कई बार फैक्टोरियल की साइन कुछ बुकों में ऐसे भी लगी होती है, 1 का फैक्टोरियल सेम है, फैक्टोरियल का मीन्स, आइए हम आगे फिर आपको समझाएंगे। फिर इसके बाद आपका इंटू में ए होगा, सीरीज देखिए बिल्कुल उसी तरह से कंटिन्यू बढ़ेगी, एन आया है
तो अब आपका एन के बाद एन माइनस वन होगा, एक कम करना है, और फैक्टोरियल आपका इंक्रीज होगा टू का फैक्टोरियल, और यहाँ पर पावर भी एक्स की पावर एन माइनस वन थी, तो अब एक्स पावर एन माइनस टू इंटू का आपका ए स्क्वायर होगा। ए की पावर लगातार बढ़ती जाती है, यहाँ पर भी आप समझ लें यहाँ जीरो का फैक्टोरियल हुआ होगा, लेकिन जीरो का फैक्टोरियल क्योंकि वन होता है इसलिए इसे आपको लिखना नहीं है। वन का फैक्टोरियल भी हालांकि वन होता है, तो ये लिखा गया है यहाँ पर ए की पावर जो होगी फर्स्ट टर्म में जीरो होती है, और ए की पावर जीरो आई होप आपको पता है वन होगा। हालांकि आप ये फार्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स की पावर आपका एन होगा, फिर क्या होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वन का फैक्टोरियल इंटू ए, फिर एन एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, टू का फैक्टोरियल इंटू ए स्क्वायर प्लस एच वन, बढ़ते हुए आर वाले टर्म के लिए ऐसे ही बढ़ेगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे ही बढ़ते हुए एन माइनस आर प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ एन माइनस आर रखेंगे अपॉन आर का फैक्टोरियल, और इंटू में यहाँ जैसे ए स्क्वायर है तो ए टू दी पावर आर रख देंगे, और लास्ट में एज टू वन बढ़ते हुए लास्ट में आपका ए टू दी पावर एन हो जाएगा। लास्ट में आपका ये जो आप देख पा रहे हैं ए टू दी पावर एन हो जाएगा, और जैसे ही ए टू दी पावर एन हो जाता है आपको सॉल्व करना खत्म कर देना है। अब आपको लगा होगा ये सर कैसे, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या आपके दिमाग में ये फार्मूला क्लियर हो गया है? इसको सबसे पहले आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, आते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। दूसरा जो फार्मूला आज का आपका यूज होने वाला है वो कौन सा फार्मूला रहेगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो आपका फार्मूला आज यूज होगा वेन, देखे कंडीशन अच्छे से देख लें, वेन एन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, एन जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होगा, निगेटिव इंटीजर्स के लिए फार्मूला है आपका। एंड एक बात और ध्यान रखेंगे, मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन होना चाहिए, कहने का मीन्स ये जो एक्स है मॉड में एक्स है वो लेस देन वन होना चाहिए, 0.5 0.25 0.8 लेस देन वन ही होना चाहिए। मॉड लिखा हुआ है दैट मीन्स इसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है 0.98 हो, है ना, हो सकता है कि आपका प्लस में हो लेकिन मॉड भी प्लस का प्लस में होगा और माइनस का माइनस में होगा। मान लीजिए ये वैल्यू निगेटिव में है तो इसका मॉड निकालेंगे तो 0.98 ये जो है लेस देन वन है, एक से छोटी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो वन से छोटी होती है। अब आइए आगे की ओर मूव करते हैं। इस केस में जो फार्मूला आपका होगा तो क्या क्या हो रहा देखने, वन आएगा सबसे पहले, वन ध्यान रखें वन आपका स्टार्टिंग में रहेगा तो वन वन आ गया, प्लस एन एक्स होगा, एन इंटू एक्स हो जाएगा इस पावर का, प्लस एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन टू का फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ जीरो का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल रहा होगा। एन की पावर लगातार घट रही है और एक्स की पावर आपकी इंक्रीज होगी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर निश्चित ही एक्स की पावर जीरो रहा होगा, आई होप आगे लेकिन एक्स की पावर जीरो आपका वन होगा उसे लिखना नहीं। एन एन माइनस वन एन माइनस टू थ्री का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एज वन सीरीज, बढ़ते हुए ये आर टर्म के लिए देख रहे हैं, ये वाली सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी, ये आपको दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। आई होप आपको पहले से पता रहे होंगे, नहीं पता है नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूले हैं और इनकी इनको आप प्रैक्टिस करके अच्छे से, ये आज के जो अपने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग सेवंथ नंबर आपका ये क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का, 2x plus 3y की पावर 4 क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है, 1 plus x की पावर माइनस 1 वेयर मॉड ऑफ x लेस देन 1, सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और इसमें भी आप देख रहे हैं 1 minus x to the power minus 1 वेयर मॉड ऑफ x लेस देन 1, दैट मींस यहां पर भी जो फार्मूला अप्लाई होगा आपका सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा और इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूले को एक बार आप लोग जल्द से यहाँ से फिर से रिकॉल कर लें, एक्स प्लस ए की पावर एन आपको फर्स्ट नंबर स्लाइड में पहली स्लाइड में दिखाया जा चुका है, एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन वन का फैक्टोरियल इंटू ए, एन एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस टू इंटू टू का फैक्टोरियल ए का स्क्वायर एज वन, बढ़ते बढ़ते आपको ए टू दी पावर एन तक जाना होगा। ये किस टाइप से होगा, जब इस क्वेश्चन में हम वैल्यू रखेंगे तब आपके दिमाग में क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सोल्यूशन को, हमने यहाँ पहले से ही सॉल्व कर लिया है ताकि थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए। कुछ बच्चे कहते हैं कि आपके वीडियो बड़े लंबे रहते हैं, सो मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ से जल्दी से पहले से ही लिख लिया हूँ।
अब आपको केवल समझना है, आंखों को बिल्कुल खुली रखिएगा। पहले आप फार्मूले को देख लें, एक्स प्लस ए की पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और इंटू वन का फैक्टोरियल इंटू ए, एन इंटू एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, एन की एक्स की पावर में जो एन है उसकी पावर लगातार डिक्रीज होंगी, घटती जा रही है और फैक्टोरियल इंक्रीज हो रहा, साथ में ए की पावर भी इंक्रीज होगी और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ए टू दी पावर एन तक आना है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल तो ये आता है कि सर ये एक्सपेंड कहाँ तक होगा, ये कहाँ तक बढ़ेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। जिस तरह से हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया है, जो कि 11th की फिजिक्स स्टार्ट करें करे हैं, उसके लेक्चर्स इन्फिनिटी तक जाएंगे, सेम यही इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो देखें किस टाइप से सॉल्व होगा। सबसे पहले एक्स की पावर एन, एक्स की प्लेस में अच्छे से देख लें, टू एक्स है, एक्स की प्लेस में टू एक्स रहेगा, भूलना नहीं है नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। और ए की प्लेस में आपका थ्री वाई है, इसकी पावर एन, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे एक्स टू दी पावर एन, एक्स की प्लेस में टू एक्स है, तो टू एक्स की पावर एन, एन की प्लेस में आपका फोर रहेगा, प्लस यन एन माइनस वन, यन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन वन का फैक्टोरियल इंटू थ्री बाई, ये वाला फार्मूला, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, वन का फैक्टोरियल और एक्स की प्लेस में आपका टू एक्स रहेगा, एन की प्लेस में फोर और इंटू में आपका थ्री बाई, प्लस आगे की ओर मूव करेंगे एन इंटू एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, तो एन एन माइनस वन, एन की प्लेस में है आपका फोर, टू एक्स की पावर एन माइनस टू, दैट मीन्स फोर माइनस टू अपॉन टू का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं आगे की ओर, कितना होगा, एन होगा एन माइनस वन, एन माइनस टू, इसी रिस्पेक्ट में, यहाँ पर फार्मूला दिखा नहीं है, इसी रिस्पेक्ट में इस फार्मूले को आपको इधर बढ़ाना होगा, तो एन एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू थ्री का फैक्टोरियल टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री और इंटू में आपका ए क्यूब होगा और ए की वैल्यू थ्री बाई है, थ्री बाई टू दी पावर फोर, और प्लस लास्ट में आपका होगा एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री और अपॉन फोर का फैक्टोरियल टू एक्स की पावर फोर माइनस फोर इंटू थ्री बाई की पावर फोर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, फर्स्ट स्टेप आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। आइए देख लेते हैं, तो ये आप इस फर्स्ट स्टेप को लिखेंगे और फिर फार्मूले को लिख देंगे। यहाँ से देखें, टू टू दी पावर फोर, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, टू एक्स टू दी पावर फोर आएगा, प्लस करेंगे फोर इंटू टू एक्स का क्यूब हो गया, फोर माइनस वन आपका थ्री होगा, क्यूब अपॉन वन का फैक्टोरियल आपका वन होगा, इंटू में आपका ये थ्री बाई एज इट इज आ गया, प्लस यहां से देख लें ये होगा फोर इंटू थ्री इंटू टू एक्स का की पावर टू और टू इंटू वन हो जाएगा और टू से इसको हम कैंसिल भी कर दिए हैं, टू टू जा फोर इंटू आपका, इसको सॉल्व करेंगे थ्री बाई स्क्वायर को, थ्री जी स्क्वायर नाइन बाई स्क्वायर, यहां तक आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 हुआ इंटू थ्री इंटू टू, यहाँ देख लें 4 इंटू थ्री इंटू टू हो जाएगा और ये 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू टू इंटू वन। आई होप आपको फैक्टोरियल पता होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ की ये देते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो ये 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन होगा, ऐसे ही आपको 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन, फैक्टोरियल का मीन से आपको 1 तक जाना है रिवर्स ऑर्डर में, ध्यान रखेंगे 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसे यदि हम सॉल्व कर लें, 5 4 20, 23 या 60, 62 जो आपका 120 हो जाएगा। हालांकि अभी इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, हमने आपको ये दिखाया है कि 5 का फैक्टोरियल जिस टाइप से सॉल्व होगा उसी टाइप से 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। आइए मूव करते हैं आगे, और 2x टू दी पावर यहाँ पर आपकी आ जाएगी 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, और इंटू में 27 बाई क्यूब, 3 का क्यूब 3 या 9, 3 या 27 एंड बाई क्यूब, प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 2x की पावर 4 माइनस 4, तो वो आ जाएगा सॉल्व होकर 0 और 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और इंटू 81 बाई टू दी पावर 4। अब आपको ध्यान में रखना है कि यदि यहाँ पर आपकी पावर जितनी रहेगी 4,
उतने तक ही आपको इसे ले जाना है, वही आपका सलूशन होगा। आप देख पा रहे हैं 81/4, या ये कह सकते हैं जब तक 4 का फैक्टोरियल ना हो जाए, यदि यहाँ 5 पावर होती इंडेक्स में एन की वैल्यू 5 होती तो आप 5 तक ले जाते। अब देखें इसे सॉल्व कर दिए, 16x^4 +4 × 8x³, 2x का क्यूब करेंगे तो 2 जा 4, 2 जा 8x³, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, हटा दिए हैं क्योंकि 1 किसी भी नंबर के अपॉन में लेट किया जा सकता है, (3/i) आएगी जा गया, +3 × 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² × 9y² यहाँ से भी 1 आपका अपॉन से कैंसिल, +4 × 2x यहाँ से देखें 4 × 2x^1 2x ही होगा, और ये 27y³ एज इट इज, प्लस आपका यहाँ से 2x^1 होगा, चाहे तो आप लिख दें, सिंस x^0 जो एक फार्मूला है 1 होता है तो 2x^0 भी आपका पूरा 1 होगा, 2^0 x^0 1 × 1 दैट मींस 1। तो यहाँ आगे की ओर मूव करते हैं, तो ये आपका इसीलिए 2x^0 जो है उसे आपको नोट डाउन करने की यहाँ पर लास्ट टर्म में आवश्यकता नहीं। 16x^4, 4 8 जा 32, 2 3 जा करेंगे 96x³y +3 4 जा 12, 12 9 जा 108 x² y² आ जाएगा, और लास्ट में 4 2 जा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे 216x³ +81y^4। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, ये सोल्यूशन नंबर आपका फर्स्ट। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड 1 + x^-1 तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले आपको 1 रखना होगा, अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला सबसे पहले 1 रखना है, +nx, n का मीन्स है n की वैल्यू यहाँ देखिए माइनस का 1 है तो -1 × x, ये आपका लिखा हुआ है ध्यान रखेंगे -1 × x, प्लस आपका होगा n n-1, n की प्लेस में भी -1 है, फार्मूले में भी आपका -1 होगा, तो n n-1 और अपॉन आपका हो जाएगा 2 × 1, 2 का फैक्टोरियल आप समझ में, या इसी को आप बोल सकते हैं 2 × 1, चाहे तो आप पहली बार या फर्स्ट टाइम यहाँ 2 का फैक्टोरियल भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, और 2 का फैक्टोरियल आपको पता होगा 2 × 1 रिवर्स ऑर्डर में होता है, अभी अभी हमने आपको क्लियर कर दिया है। फिर आपका ऐसे ही फिर (x²) होगा, x^ लगातार जो है अपग्रेड होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जा रही, देख पा रहे होंगे, फिर n n-1 n-2/3 का फैक्टोरियल x³ एज सो आर, इसी तरह से सीरीज ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस फार्मूले में आप देख पा रहे होंगे ये जो सीरीज बढ़ रही है अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक आपकी बढ़ेगी, इन्फिनिटी तक आपको बढ़ाना है। तो अब आइए देखिए सॉल्व करें, 1 -1 और एक्स का मल्टीप्लाई +(-1)(x) आपका एक्स ही होगा, प्लस ये -1 हुआ, -1 आपका -2/(2×1)(x²) प्लस यहाँ से देखें -1 सेम है, ये -2 और ये सॉल्व होने पर -3 3×2×1x³। नेक्स्ट टर्म को यदि आप सॉल्व किए होते आप चाहे तो कर सकते हैं, तो श्योर है कि -1 आता, -2 -3 -4 और यहाँ 4 का फैक्टोरियल आ जाता, और यहाँ x^4 फाइनली सॉल्व होने के बाद आपका ओनली x^4 ही रिमेनिंग रहता, वो भी प्लस में। अब देखें तो ये 1 आपका सेम है, -x, ये -, आपका प्लस हो गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल, x² 6 को आप 6 से कैंसिल कर दें, यहाँ पर आपका माइनस का 6 आएगा, -6 को आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ये वाली साइन फिर प्लस माइनस आपकी माइनस हो जाएगी, (x³) एज सो ऑन, डॉट लाइन में आप सॉल्व करते जाएंगे चाहे तो 1 ये आपका -x हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद x² और ये प्लस माइनस इसे माइनस करेगा, -x³ एज सो ऑन डॉट लाइन में डॉटेड इंफिनिटी तक जाएगा, आप 2 इंफिनिटी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये पूरी तरह समझ में आया है, आई होप पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। इसमें हमने सेकेंड फार्मूले का यूज किया है, यहाँ x³ की जो पावर रहती है n जो है आपका वो निगेटिव रहता है, n की प्योर निगेटिव इंटीजर, एंड आप ध्यान रखेंगे x की जो वैल्यू होगी मॉड ऑफ x <x>1 होगा, सेकेंड नंबर फार्मूला हमने पहले ही आपको बता दिया। अब यदि बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको केवल और केवल 2 मिनट से पहले भी बता दूंगा,
अब आपको लग रहा होगा कि सर 2 मिनट से पहले कैसे पॉसिबल है। आइए देखिए मेरी स्पीड को, हम तो चाहे तो आपको 1 मिनट से पहले भी करा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए 1 मिनट हमने आपको दे दिया। देखें कितनी बड़ी दिलदारी हम प्रेस कर रहे हैं, तो अब आप लोग भी इसका फायदा उठा लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर इस बार प्लस के स्थान पर तीसरे क्वेश्चन में केवल चेंज है माइनस, बाकी सब कुछ एज इट इज है। और ये बात हो रही है 7th के 3rd नंबर की, नॉट सेकंड, 7th के 3rd नंबर की। तो जब आपका माइनस होगा तो आप हमें बताइए यहां पर भी आपका क्या माइनस होगा। बिल्कुल माइनस होगा, ये वाला माइनस, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू माइनस एक्स का क्यूब। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर जब माइनस आ जाएगा एक्स की प्लेस में, तो जहां जहां एक्स है फार्मूला तो आपका एज इट इज है, जो आप देख पा रहे हैं सेम फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन एक्स की प्लेस में माइनस एक्स आ जाएगा। तो जहां जहां आपका एक्स दिख रहा है वहां वहां माइनस अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए आइए सॉल्व करते हैं, तो इस माइनस का क्या क्या इंपैक्ट होगा। माइनस माइनस ये आपकी साइन हो जाएगी प्लस, माइनस माइनस आपका प्लस। और यहाँ देखें माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, नो चेंज होगा। और यहाँ बट यहाँ जो है ये जो माइनस आप देख पा रहे हैं ये निगेटिव में आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस, माइनस एक्स क्यूब होगा एज सो ऑन डॉट डॉट। तो ये वाला जो है अब आपका पॉजिटिव हो चुका है, यहां से देखें एक्स स्क्वायर ये भी पॉजिटिव रहेगा। और साथों साथ यदि आप यहां से देखेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये वाला जो है उसे माइनस करेगा, बट इसका जो ये माइनस था इस माइनस को खत्म करके प्लस में कर देगा, ओनली 6/6 आएगा, 4 टाइम्स माइनस। देखिए माइनस माइनस माइनस, इसका भी तो माइनस है, 4 टाइम्स माइनस, तो आपको प्लस हो जाएगा। और प्लस होने के बाद इसे भी आपका ये क्वेश्चन प्लस में कर देगा, मतलब जो पिछला क्वेश्चन था प्लस माइनस का डिफरेंस था, प्लस माइनस यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो यही तो आपका आंसर हो जाता है, ये प्लस प्लस में आएगा, 1 + x + x² + x³ + ऐड सो ऑन डॉट डॉट। हमने आपको बताया था कि 2 मिनट में हम इसे फाइनल कर देंगे, इसे हम क्लीन बोल्ड कर देंगे, इसीलिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा, स्टार्टिंग में हमने क्लीन बोल्ड वर्ड का यूज किया था। बिल्कुल देखें ये क्वेश्चन आपका क्लीन बोल्ड हो चुका है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे, फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं। बहुत ही जल्द बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 2nd को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अभी बाइनोमियल थ्योरम के कम से कम 3 लेक्चर्स हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे मिनिमम 2 लेक्चर तो होंगे ही होंगे, कंसंट्रेशन बना के रखें। बाइनोमियल थ्योरम से आई होप आपका डर जो है अब समाप्त हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।